गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अभी आज लास्ट कर लेते हैं एग्ज़ाम एक सॉल्व आपका, क्योंकि अब तो टाइम टेबल भी आ चुका है, 21 से आपके एग्ज़ाम हैं। तो ये पिछले साल जो एग्ज़ाम आया ना, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम आया था आपका, वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आज जनरली, तो इसको देख लीजिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि द बुक साइलेंट स्प्रिंग वाज रोट बाय, यानी कि जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे ये पूछा गया है ना। तो ये लिखी गई थी एक साइंटिस्ट थे अंजेल कार्सन, इनके द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई थी, साइंटिस्ट का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरेथ्रोइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम, यानी कि पाइरेथ्रोइड जो है वो किससे अलग किया जाता है, ये चीज आपसे पूछी गई है। जो क्या है, एक बॉटनिकल्स है तो ये किससे निकाला जाता है, ये क्राइसेंथेमम प्लांट जो होता है, वैसे तो इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, आप स्पीसीज देखना ट्राई कर लो, स्पीसीज हिंदी में जिसको बोलते हैं गुलदाउदी के फूलों से निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपसे इससे एडवांस पूछ लिया जाए कि किससे कौन से भाग से निकलता है, तो किससे निकलता है, फ्लावर्स से, जैसे मैंने ये आपको ये सब करवा रखा है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ NPB, कि NPB की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो देखिए NPB की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, जापानी भेड़ में लुलिया रोग जो है वो किसके द्वारा होता है, कोज मिल्की डिजीज, जापानी भेड़ के अंदर जो मिल्की डिजीज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है बैसिलस साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है ये जो टेक्निक है वो दी थी। नेक्स्ट देखिए फिर है द कंसेप्ट ऑफ IBM वाज फर्स्ट प्रोपोंडेड बाय, यानी कि जो कंसेप्ट है IBM का वो सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ये यूज किया था एक साइंटिस्ट थे आरफ स्मिथ, ठीक है, एक साइंटिस्ट है। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाए, जैसा कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ कंसेप्ट पूछा गया है इसलिए मैंने आरफ स्मिथ कहा है। अगर आपको ये कहा जाए कि IBM जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज की थी, तो IBM की जो टर्म है वो सबसे पहले यूज की थी बर्टलेट, एक साइंटिस्ट थे, ये भी ध्यान में रखना है ना। ये एल है, BERTLW, बर्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म की थी। फिर देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट इज सिचुएटेड ए, इसको आपसे वो शॉर्ट में देखे इसकी साइंटिफिक जो है पूछ सकता है,
पूरा जो नाम है फुल फॉर्म हो सकता है इसका है एन बी ए आई आई। ये पूछा गया है कहाँ पे है, तो ये है बेंगलोर कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट है इमिडाक्लोप्रिड बिलोंग्स टू, इमिडाक्लोप्रिड जो है वो किस कौन से ग्रुप से, इंसेक्टिसाइड के कौन से ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है, तो ये करता है नियो निकोटिनोइड्स, नियो निकोटिनोइड्स ग्रुप जो है इससे बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज ए वाइट मस्कारियन डिजीज कि इनमें से क्या है, यानी कि आपको बताना है कि वाइट मस्कारियन फंगस जो है वो कौन सा है। तो आपको बता देता हूँ ये है फंगस होती है ब्यूवेरिया, ब्यूवेरिया बेसिया। ठीक है, ये एक फंगस होती है जिसको क्या बोलते हैं, जो कि इंसेक्ट के अंदर क्या रहती है वाइट मस्कारियन डिजीज करती है। इसको हम क्या है एज ए बायो एजेंट यूज करते हैं। ये तो बात होती है वाइट की, अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन का सेम चीज होगी उसका नाम क्या होता है, मेटाराइजियम, मेटाराइजियम एनिसोप्ली। ठीक है, एनिसोप्ली अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन मस्कारियन का जिसके अंदर मैक्सिमम इंसेक्ट क्या है प्रीडेटर्स आते हैं, तो वो ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा का ऑर्डर है जिसके अंदर मैक्सिमम क्या आते हैं इंसेक्ट प्रीडेटर्स आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ये हो गया आपके फिलिंग द ब्लैंक्स टोटल हो गई। अब हम बात करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डिगिंग ट्रेंच, डिगिंग ऑफ ट्रेंच खाई खोदना एक इनमें से पूछा गया है कौन सी प्रैक्टिस है। ठीक है, आईबीएम की, तो ये क्या है एक मैकेनिकल एक यांत्रिक जो है वो क्या है विधि है, यांत्रिक तरीका है इंसेक्ट को कंट्रोल करने का। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड्स यूज अगेंस्ट सोइल इंसेक्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं सोइल इंसेक्ट यानी कि मृदा में रहने वाले भूमिगत कीटों को नियंत्रण करने के लिए जैसे से कौन सा जो है वो कीटनाशक हम यूज करते हैं, तो उसका सही ऑप्शन होगा फिप्रोलिन। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कहा गया है केमिकल्स यूज टू किल माइट्स, वो केमिकल्स जो माइट को किल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइट को नहीं बोलते हैं ब्रोथी है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए तो ये करते हैं एकेरिसाइड। ठीक है, एकेरिसाइड। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि LD50 वैल्यू इज मेजर्ड इन, कि LD50 सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि LD50 होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है LD50 क्या होता है, किसी भी जो केमिकल है उसकी वो मात्रा जो इसको अप्लाई करने के बाद 50% पॉपुलेशन को इंसेक्ट की 50% जो पॉपुलेशन है उसको किल कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसको क्या बोलते हैं LD50, वो उस केमिकल की LD50 डोज होती है। तो इसको किस में मारते हैं, इसको मारते हैं मिलीग्राम पर किलोग्राम पे। ठीक है, मिलीग्राम पर किलोग्राम में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर है राइनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि आपसे ये फिर जैसे मैंने आपको बताया था पायरेथ्रोल, वैसे ही इसका पूछा गया है कि राइनिया जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, राइनिया तो ये किया जाता है राइनिया स्पीशियोसा, राइनिया स्पीशियोसा से, ये प्लांट है जिसकी रूट से ही निकाला जाता है, जड़ों से ये प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सेंटर ऑफ फॉर आईपीएम यानी कि NCIPM, इसको डायरेक्ट NCIPM भी लिख दिया जाता है बहुत बार, तो ये कहाँ पे है, ये पिछले क्वेश्चन पेपर जब मैंने करवाया था उसमें भी बताया था आपको, ये नई दिल्ली में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिसाइड ऑफ एनिमल ओरिजिन, वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसे एनिमल से प्राप्त किया गया है, तो ये
पैडान है जिसको मैरीन जो यानी कि समुद्री जो जीव है उनसे प्राप्त किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए लिखते हैं विच इज द लार्वीसाइड फिश, इनमें से कौन सी फिश है जो लार्वीसाइड है यानी कि लार्वा को किल करती है, तो इनमें से गंबूसिया स्पीशीज जो है ये क्या है लार्वीसाइड फिश है, ये क्या है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज आती है। अब इसका काम क्या होता है, अपने जो मलेरिया का नाम सुना होगा ना, मलेरिया जो होता है तो मलेरिया कौन फैलाता है, एनाफ्लीज मच्छर सुना होगा, तो एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ना उसकी स्पीशीज को ये क्या करता है किल करता है, उसको ये फीड करते हैं उसके ऊपर ऐसे प्रीडेटर के रूप में ये रहते हैं, ठीक है उनको ये जो है वो फीड कर जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो मलेरिया वाले जहाँ पे ज़्यादा मलेरिया होती है तो वहाँ पे क्या है इनको पाला जाता है ताकि ये क्या उन मच्छरों को जो है वो किल कर सके, ये उनको खा जाती है। नेक्स्ट देखिए फिर विच कलर ऑफ द लेवल ऑफ कंटेनर इंडिकेट हाईली टॉक्सिक, यहाँ पूछा गया है आपसे हाईली टॉक्सिक अत्यधिक जहरीला, तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब करवाया था उसमें अच्छी तरीके से बताया था कि कौन कौन सा कलर जो है वो क्या डिसाइड करता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, तो याद होगा आई थिंक, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि ब्राइट रेड जो होता है, ठीक है ब्राइट रेड जो होता है ये दर्शाता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक को दिखाता है। एक मिनट इस साइड ले लेता हूँ तो पूरा भी आ जाएगा, तो ये तो होता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। ब्राइट येलो होता है जो कि इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, हाईली टॉक्सिक ये होता है हाईली टॉक्सिक। ब्राइट या ब्राइट ब्लू जो होता है ये होता है मॉडरेट, मॉडरेटली टॉक्सिक, ठीक है मध्यम जो होता है, और ब्राइट ग्रीन जो होता है ये होता है स्लाइटली टॉक्सिक, यानी कि कम जो विषाक्त या कम जहरीला होता है, ठीक है तो ये अच्छे से याद कर लेना, भी इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ब्राइट रेड क्या शो करता है, येलो ब्लू क्या करता है, ठीक है ये ध्यान रखना है ना। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से ये जहाँ शो होता है ना कंटेनर के ऊपर, उस इसमें इस प्रकार से एक तो ये ट्राइंगल बना होता है, एक इसके नीचे ये ट्राइंगल बना होता है, ठीक है ये ट्राइंगल बना होता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये जैसे रेड है तो रेड से भरा रहेगा इस प्रकार से, एक बता रहा हूँ मैं बाकी ध्यान रखना, बाकी और भी ऐसा ही होता है, इस प्रकार से जो है भरा होता है, ठीक है और इसके ऊपर ना लिखा होता है, सिर्फ रेड वाले पे लिखा होता है, लिखा हुआ क्या होता है, एक तो इस प्रकार का आपने देखा होगा एक स्केलेटन बना हुआ होता है, ठीक है इस प्रकार का एक स्केलेटन बना होता है, ठीक है और इसके ऊपर लिखा रहता है डेंजर, इसके साथ में क्या लिखा रहता है डेंजर, देखा होगा सबने ये है ना ऐसा होता है। और इसके अलावा जो दूसरा होगा उसमें क्या होगा, जैसे मैं बात करूँ ब्राइट येलो है ना, ब्राइट येलो की अगर बात करूँ तो ब्राइट येलो में क्या होगा, येलो तो नहीं है ग्रीन से दिख रहा है मेरे को, कोई बात नहीं समझ लेना मैं दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से होता है वो भी, ठीक है इस प्रकार ट्रायंगल बना होता है जिसके ऊपर ये स्केलेटन नहीं बना होता और सीधा लिखा होता है डेंजर, ठीक है क्या लिखा होता है डेंजर, ऐसे ही क्या है ब्लू बना होता है, ठीक है ऐसे ही
ब्लू वाला होता है। ब्लू वाला होता है, नीचे वाला तो फिल किया होता है अच्छे से, और ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्मल होता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता है। इस प्रकार का सिंबल जो है वो बना रहता है। और ऐसे ही ग्रीन वाला होता है, जो कि इसको शो करता है कि ये जो है वो कम टॉक्सिक है, स्लाइटली टॉक्सिक है। वो ग्रीन वाला शो करता है, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार दिखा रहता है, इसके साथ साथ इसमें लिखा रहता है बच्चों की पहुंच से दूर रखना, ये वो ना। तो इस प्रकार के क्या सिंबल बने रहते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वाला जो है वो क्या शो करता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो है आपको पूछा जाता है। ओके भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज गवर्न बाय। हॉरिजॉन्टल यानी कि अनुप्रस्थ प्रतिरोधकता, इसको हॉरिजॉन्टल याद रखना, अनुप्रस्थ के चक्कर में मत पड़ना। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो किससे जो है गवर्न होती है, तो ये होती है मैनी जीन्स, यानी कि बहुत से अनेक जीनों द्वारा क्या होती है, ये गवर्न होती है। यहीं पे अगर आपको दे देता वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल रेजिस्टेंस अगर आपको दिया जाता और पूछा जाता कि वो किससे गवर्न होती है, तो वो या तो होती है सिंगल जीन से या फिर फ्यू जीन से, कुछ ही जीनों द्वारा क्या होती है उसको जो वो कवर होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये हो गए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, हाँ। अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रीडेटर्स आर यूजुअली लार्ज इन साइज देन देयर होस्ट। होस्ट से प्रीडेटर साइज में बड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, बड़े होते हैं, ठीक है। प्रीडेटर क्या होते हैं, बड़े। और पैरास्टोरी क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वल, यानी कि बराबर साइज के होते हैं। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता पैरासाइट का कि पैरासाइट जो है वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं स्मॉल या फिर छोटे। क्या होते हैं, स्मॉल या फिर छोटे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक फॉस्फाइड इज रोडेंटिसाइड। जिंक फॉस्फाइड एक चूहानाशक रसायन है, तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, चूहों को मारने के लिए काम में लिया जाता है। फिर इंसेक्टो वायरसेस आर मास मल्टीप्लिकेट वन मल्टीप्लाइड ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो है ना, वायरस हमेशा ही किसमें होते हैं, लिविंग जो मटीरियल है, आर्टिफिशियल किसी लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वायरस के लिए एक लिविंग बॉडी जरूरी होती है। नेक्स्ट देखिए, फिर है फर्स्ट कॉमर्शियल बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी का फर्स्ट जो है व्यापारिक उत्पाद अधिकार है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। फिर नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा इज एन पैरास्टोइड, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकोडर्मा दिया गया है, ये क्या है, एक फंगस है, ये इंसेक्ट है ही नहीं। एग पैरास्टोइड की जो ये बात करना है वो क्या होता है, वो होता है ट्राइकोग्रामा, तो ये ध्यान रखना है, और जो है इंसेक्ट कौन सा है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है राइसोबाला गार्निया इस ए नॉर्मल पैरास्टोइड, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या दिया हुआ है, ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट ऑफ क्रॉप, सभी कीट जो है वो फसलों के दुश्मन नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, आपको पता है हनी भी क्या है, मधुमक्खी एक कीट है, कीट है, लेकिन ये क्या करती है, नुकसान नहीं करती, ये क्या है, बेनिफिशियल होती है, फायदेमंद होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट ऑफ क्रॉप, सभी कीट फसलों के दुश्मन नहीं होते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। अगर देते होते हैं तो ये फॉल्स हो जाता। फिर देखिए, क्लीन कल्टीवेशन बाय ब्रीडिंग एंड होइंग इज फिजिकल कंट्रोल मेजर,
यानी कि क्लीन कल्टीवेशन करना वीडिंग और हॉइंग से, ये क्या है, एक फिजिकल कंट्रोलर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल नहीं होगी, क्या होगा, कल्चरल, कल्चरल होगा, कृषि क्रियाओं में आता है, ना कि भौतिक में, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, डाइमेथोएट इस ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, डाइमेथोएट जो केमिकल है, ये कह रहा है कि वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, तो ये बिल्कुल क्या है भाई, ट्रू है, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड ही है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द इंसेक्ट विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डस्क आर कॉल्ड क्रेस क्रेप्सुला, तो ये ट्रू है, यानी कि जो गोधूली वगैरह तो मैंने आपको बताया था, शाम के समय जो एक्टिव रहते हैं ना इंसेक्ट, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वाइट ग्रब जो इंसेक्ट है ना, वो उसको क्रेप्सुलर बोलते हैं, क्योंकि वो शाम का समय जो होता है 7-8 बजे के आसपास, उस समय एक्टिव होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर है आपके जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है 70 नंबर का, उसमें कुछ डेफिनेशन है, मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, बाकी ये पढ़ लेना क्योंकि मैंने करवा रखी है सारी डेफिनेशन है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, एंटीजिनोसिस, एंटीजिनोसिस वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये एक जो है आपका होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, मैंने पढ़ाया ना HPR, उसका एक पार्ट है, ठीक है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का। अब देखिए एंटीजिनोसिस होता क्या है, इसको नॉन प्रेफरेंस भी बोल देते हैं, नॉन प्रेफरेंस, ठीक है, नॉन प्रेफरेंस बोल देते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट के लिए क्या है, फेवरेबल इन्वायरमेंट, यानी कि उसके लिए जो वातावरण उसको चाहिए या जिस टाइप का प्लांट वो चाहिए ना, वो उसको उसके ऊपर सर्वाइव नहीं होने देता, ठीक है, फेवरेबल जो है सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन जो है वो ये नहीं होने देता, यानी कि ये क्या करता है, नॉन प्रेफरेंस, मतलब क्या हो गया कि वो इंसेक्ट इस प्लांट को प्रेफर नहीं करता है, इसके लिए एग्लिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है शेल्टर यानी कि आवास के लिए हो सकता है, ठीक, या फिर फीडिंग के लिए, खाने के लिए हो सकता है, तो ये सब क्या है, इसको प्रेफर नहीं करता है, ये प्लांट की क्वालिटी होती है उस प्लांट की, जिसमें क्या रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, होस्ट प्लांट, तो ये उसका एक पार्ट ऑफ है। फिर देखिए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी जगह पर अगर हम बात करें, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का आपस में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में प्लस इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ जो लिंक होता है, ठीक है, जो रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इको सिस्टम, इंजीनियर ने दिया था इंजीनियर। फिर देखिए फिर दिया हुआ है स्पोरेडिक पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट किसको बोलते हैं, तो हिंदी में आप इसको हिंदी स्पोरेडिक ही लिखा है, वैसे हिंदी में इसको बोल देते हैं छिटकू, अब ये दे दिया तो आप ये भी समझ लोगे, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, जो कि क्या है, बहुत ही माइनर एरिया में पाए जाते हैं, माइनर एरिया में, और बहुत क्या है, दूर दूर, यानी कि कुछ जगह आपको मिलेंगे, फिर काफ़ी दूर तक आपको वैसे देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरे देश में कहीं कहीं पे जो क्या है देखने को मिलता है, उसको क्या बोल जाते हैं, स्पोरेडिक पेस्ट। फिर देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, तो ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जब हमने पढ़ा था ना प्लांट क्वारंटाइन है ना, पादप संगरोध, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी कंट्री से कोई भी आयात करते हैं सीड या प्लांट मटेरियल, तो उसके साथ क्या है, वहाँ से वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये प्लांट मटेरियल जो भी है वो क्या है, डिजीज फ्री है, वो क्या है, वो डिजीज फ्री है या फिर पेस्ट फ्री है, प्लांट मटेरियल
साथ को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही हमें भी बना के देना पड़ता है अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखिए ETL, इसको क्या बोलते हैं, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल या इसको बोलते हैं आर्थिक बहरी स्तर, जिन्हें क्या बोलते हैं आर्थिक बहरी स्तर, वो लेवल इंसेक्ट का, इंसेक्ट की पॉपुलेशन का वो लेवल जहाँ पे हमें कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, यानी कि बचाव के या उपचार के जो उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाई, हमें अप्लाई करने चाहिए वो जो पॉपुलेशन है उनकी वो लेवल जो है उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ETL, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, वो लेवल जिसके ऊपर हमें कंट्रोल मेजर्स यानी कि केमिकल वगैरह क्या है स्प्रे करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक दहलीज। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोर्से, ये पिछली बार आया था क्वेश्चन। तो फोर्से क्या होता है, कोई भी पैरासाइट वगैरह जो होते हैं ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ पैरासाइट का, पैरासाइट वगैरह जो क्या करते हैं किसी चैनल के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, ठीक है, बाय चैनल के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। अब मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, ट्रांसफ़र होते हैं उसको क्या बोलते हैं फोर्से, यानी कि फोर्से क्या है, आपने देखा होगा हम क्या है जो गांव में गाय वगैरह चलाते हैं उस समय क्या है वो फील्ड में जाती है, तो उनके साथ हो सकता है कोई पैरासाइट वगैरह क्या है चिपक जाए उनके हेयर्स वगैरह पे, ठीक है, और वो दूसरी जगह जहाँ पे जाएगी अगर वो उसके साथ क्या है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं फोर्से। फिर देखिए है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, तो इसमें क्या है किसी भी हैबिटेट या आवास में, ठीक है, आवाज बोल सकते हो या किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पे, ठीक है, पाई जाने वाली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सभी जीवित जीव जो है वो क्या कहलाते हैं हम की बायोडाइवर्सिटी, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाने वाले सभी प्रजातियों के जीव को क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन है डाइपोल्स, ठीक है, डाइपोल्स, तो डाइपोल्स क्या होता है, डाइपोल्स को बोलते हैं सुसुप्तावस्था, ठीक है, निष्क्रियता बोलते हैं वैसे तो, इसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था। क्या होता है कि जब इंसेक्ट को, किसी भी इंसेक्ट के लिए जब फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता है, यानी कि उसके लिए मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है अपनी सारी मेटाबॉलिक यानी कि जितनी भी उसकी अपचयी क्रियाएं हैं, है ना, उसको वो रोक लेता है, बंद कर लेता है, और कुछ समय तक बिना कुछ खाए पिए वो एक कॉन्स्टेंट एक सिचुएशन में बना रहता है। उसके बाद जैसे ही क्लाइमेट क्या होती है नॉर्मल होती है वो वापस से अपनी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं सुसुप्तावस्था, डाइपोल, एब्सेंट ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। अगर कोई इंसेक्ट लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से डाइपोल अवस्था में चला जाता है या सुसुप्तावस्था में, डाइपोल अवस्था में चला जाता है किसकी वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, तो उसको क्या
बोलेंगे हाई वाइब्रेशन। अगर सेम चीज़ एक इसी से रिलेटेड एक टर्म हो रहा है उसको याद करेंगे एस्टिवेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। अगर यही चीज हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से हो, यानी कि ये जो टर्म हाइब्रेशन किसको बोलेंगे कि सेम चीज़ अगर इंसेक्ट हाई टेम्परेचर की वजह से सुसुप्तावस्था में चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। हाई टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर होगा तो वो हो जाएगा हाइबरनेशन। फिर नेक्स्ट एक चीज़ है निश, तो निश क्या होता है, किसी भी अब देखिए हम अगर समाज में रह रहे हैं ना तो हमारा कहीं ना कहीं एक रोल होता है समाज के अंदर, ठीक है। तो सेम इसलिए, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पेस्ट किसी एक पर्टिकुलर जीव का, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है किसी भी हैबिटेट में, यानी कि आवास में, एक पूरा जो एक होता है ना बायोडाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं, यानी कि एक पूरा जो आवास है हैबिटेट जो है उसके अंदर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल होता है, उसको क्या बोलते हैं, नीश बोलते हैं, बस ये डेफिनेशन बतानी है। फिर यानी कि कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म क्या है, ये सहजीविता का एक प्रकार है कॉमन सेलिज्म। इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें क्या होता है, देखिए जो दो है ना, कोई भी दो टू स्पीसीज होगी कोई भी, ठीक है, उनके बीच इंट्रैक्शन होगा, यानी कि उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये इंट्रैक्शन इस प्रकार होगा कि इसमें से वन गेट बेनिफिट, यानी कि एक को तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, एंड अदर, ठीक है, और अदर जो दूसरा होगा वो क्या है, नाइदर गेट बेनिफिट, ना तो उसको बेनिफिट होता है, नो बेनिफिट नोर हार्म, और ना ही उसको नुकसान होता है, यानी कि एक को तो फायदा होगा, एक को ना फायदा होगा, उन्हें नुकसान होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म। सेम चीज अगर यहाँ पे मैंने देता म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म ये भी इसी से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो होंगे है ना, दोनों जो होंगे उनको लाभ होगा, इसमें दोनों जो आपस में इंट्रैक्शन में रह रहे हैं उन दोनों को क्या होगा, लाभ होगा एक दूसरे से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, लेग्यूम्स में क्या होता है, जो दलहनी फसलें होती है ना उनमें क्या होता है कि जो दलहनी है उसके अंदर क्या होती है, जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया की गांठ होती है, ठीक है। अब वो क्या करता है, राइजोबियम को तो उस जड़ों की वजह से क्या है, वहाँ पे रहने के लिए जगह मिलती है, तो उसको वो फायदा हो गया। और लेग्यूम ग्रुप को क्या फायदा होता है कि वो जीवाणु नाइट्रोजन को वातावरण से क्या करता है, स्थिरीकरण करता है उस प्लांट के अंदर, उस प्लांट के लिए प्रोवाइड करवाता है, तो दोनों को लाभ हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट देखिए, फिर दो डिफरेंसोलॉजी देखिए, पैरास्टोइड। अब यहाँ पे पैरास्टोइड है, तो ये सारी डेफिनेशन जो है मैंने अच्छे से आपको क्लास में करवा रखी है। पैरास्टोइड में क्या होता है, पैरास्टोइड में साइज जो है वो होस्ट के क्या होता है, इसका इक्वल होता है, पैरास्टोइड का साइज जो है अपने होस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये इमेच्योर स्टेज में क्या होता है, एज ए पैरासाइट रहता है, परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है, पैरासाइट परजीवी के रूप में रहता है। और मैच्योर स्टेज या इसकी एडल्ट अवस्था जो होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है, उसमें ये क्या रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं, किसी पर भी क्या करते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ। मैं नाम सुना होगा ट्राइकोग्रामा, अभी हमने बात नहीं की थी किसी, तो ट्राइकोग्रामा जो है ये क्या है, एक एग पैरास्टोइड, एग पैरास्टोइड एंड फ्री
दिया आपने, ठीक है, एक रेस्टोरेशन। फिर देखिए होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या होता है, कोई भी जीवित जीव या कोई भी इंसेक्ट, हम यहाँ इंसेक्ट की बात देखें, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को बाहर का जो वातावरण है ना उससे सुरक्षित रखने के लिए टेम्परेचर में, ठीक है, या फिर पीएच में या जो भी है, अपने अंदर जो जो आवश्यक चेंजेस जो करता है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको क्या बोल देते हैं, होम्योस्टेसिस बोल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर हो सकता है वो, या हो सकता है वो पीएच को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है एनवायरनमेंट, वातावरण के हिसाब से है ना, जो आवश्यक वो क्या करता है अपने अंदर जो चेंज करता है जिस आवास में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोल देते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या बोल देते हैं, होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब जो आपके चर्चा नंबर वाले क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट हो रही है। देखिए फर्स्ट, बायो कंट्रोल क्या है, इसका स्कोप देखना है आईपीएल में, यानी कि बायो कंट्रोल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न जीवों को यूज करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, और आपको बताना है कि इसका आईपीएल में क्या रोल है। तो आईपीएल में इसका बहुत रोल है, एक तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम केमिकल यूज नहीं करते हैं। सेकेंड क्या होता है, इससे हमें मनुष्य का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप क्लाइमेट में चलता रहता है। इससे बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स होते हैं, अगर हम बात करें केमिकल का अगर हम स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिशियल इंसेक्ट किल होते हैं साथ साथ में ना, तो इससे वो नहीं होगा, एक जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, मैंने करवा रखी है। फिर है व्हाट इज रिसर्जेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, रिसर्जेंस किसको बोलते हैं, पुनरुद्भव, यानी कि अगर हम बार बार किसी एक पर्टिकुलर केमिकल का, ठीक है, जो है वहाँ पे स्प्रे करते रहते हैं, उससे क्या होगा, उन इंसेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रेशन पावर डेवलप हो जाती है। मान लीजिए एक बार के लिए वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन बाद में उनका वापिस से आना वो भी पहले की बजाय डबल हो गया, यानी कि पहले मान लीजिए अगर 100 थे तो इस बार क्या 200 के लगभग आसपास, यानी कि एकदम से वापिस उसी स्पीसीज का एकदम से पहले की बजाय ज़्यादा इंडिविजुअल का अपटेक होना या वापिस आना क्या कहलाता है, रिसर्जेंस। व्हाट इज सर्वेलेंस, सर्वेलेंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था भाई, है ना, निगरानी जिसको बोलते हैं ना, सर्वे करना या निगरानी रखना। हमें क्या करते हैं, किसी एक फिक्स प्लॉट के अंदर अगर हमें पता करना हो कि इसमें पेस्ट की पॉपुलेशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसका सर्वे करते हैं। अगर ये सर्वे रेगुलर इंटरवल पे 2 या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद एक रेगुलर इंटरवल पे किया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, सर्वेलेंस। ये मैंने करवा रखा है डेफिनेशन, इसको देख लेना। फिर है राइट मैकेनिज्म ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, HPR होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने करवा रखे हैं। चीज़ें क्या होती हैं, एक तो हमने अभी बात की थी एंटीजिनोसिस, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसमें क्या होता है, नो प्रेफरेंस, यानी कि जो प्लांट होता है ना उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो इंसेक्ट को उसके ऊपर सेटल नहीं होने देता, ये इंसेक्ट को इसके ऊपर बैठने नहीं देता, सेटल नहीं होने देता, तो इससे क्या है, वो इसके ऊपर एगलाइंग वगैरह या आवास नहीं ले पाते, इसके ऊपर नहीं रह पाते। सेकेंड होता है एंटीबायोसिस। तो एंटीबायोसिस में क्या होता है, देखिए एंटीबायोसिस में ऐसे होता है कि जो इंसेक्ट है ना उसके ऊपर प्लांट का नेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि ये क्या करता है, इंसेक्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे, देखिए मान लीजिए ये हो सकता है इस प्लांट के अंदर कोई केमिकल कंपाउंड हो जिसकी वजह से क्या है वो वहाँ पे एगलिंग इसकी जो है एग से हो सकता है लार्वा वगैरह ना निकल पाए, या फिर हो सकता है उसकी जो लार्वा स्टेज जो होती है वो क्या हो जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए, यानी कि बढ़ जाए वो नहीं निकले, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी पैरासाइट या प्रीडेटर्स वगैरह हैं वो क्या है, उनको ज़्यादा समय मिलता है उनको अटैक करने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड है टॉलरेंस, या जिसको बोलते हैं सहनशीलता। सहनशीलता कैसे, मान लीजिए इस प्लांट के ऊपर पेस्ट का डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज होने के बाद में क्या है, इस प्लांट के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसको रिकवर कर लेता है, प्लांट क्या कर लेता है, उसको रिकवर कर लेता है वापिस उस क्षति को, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, टॉलरेंस।
तो ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। एचपीआर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे की नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट स्टेराइल मेल टेक्निक, कि स्टेराइल मेल टेक्निक जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। ये ऑफ निपलिंग ने दी थी। इसमें क्या होता है, मेनली जो है रस चूसने वाले होते हैं जैसे मच्छर वगैरह, उनके खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना, जो नर कीट होते हैं, उनको हम पकड़ते हैं, यानी कि उनको कैच किया जाता है। फिर उनको क्या है, कोबाल्ट 60 या ऐसे क्या है, जो भी विकिरणें होती हैं उनसे क्या किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। फिर इनको वापस से फ्री कर दिया जाता है, ताकि ये जब भी किसी फीमेल के साथ जो भी रिलेशन में है ना, तो ये जब भी उसके साथ आओगे है ना, तो इससे क्या होगा, उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, अगले ही तो क्या है, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है व्हाट इज़ प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है, किसी भी जगह पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्थान पे, मान लीजिए नहीं कोई पेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेस्ट है, ठीक है, तो इसको दूसरी जगह फैलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं कि ये दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। ठीक है, यानी कि ये उस एरिया में, मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकती, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको नहीं भेजते हैं, ताकि क्या है, ये पेस्ट जो है वो कहीं और ना चला जाए। तो इस प्रकार का अवरोध जो लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पादप संरोध, संरोध। फिर देखिए क्लासिफाइड फाइटोफैगस इंसेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ होस्ट प्लांट अटैक, यानी कि आपको क्या करना है, पौधों को खाने वाले कीटों को पोषक पौधों के आधार की संख्या के आधार पर उसको जो क्या है आपको क्लासिफाई करना है। तीन चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मोनोफेगस, मोनोफेगस जो क्या करते हैं, केवल एक ही प्रकार के, ठीक है, सिंगल टाइप के स्पीसीज या प्लांट पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। दूसरा होता है ओलिगोफेगस, सेकेंड होता है ओलिगोफेगस। ओलिगोफेगस में क्या होता है, एक ही, यानी कि कुछ प्रजातियों के ऊपर क्या रहते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त होते हैं। थर्ड होता है पॉलीफेगस, पॉलीफेगस। अब पॉलीफेगस का मतलब क्या हो गया, बहुभक्षी, है ना, तो बहुभक्षी में क्या होता है, ये सभी प्रकार की जो है ना वेजिटेशन जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, दीमक जो होती है ना, लिविंग को भी, नॉन लिविंग को भी खा जाती है। इसके अलावा जो आपकी जो हो गया लोकस्ट हो गया, टिड्डी जो हो गई है ना, वाइल्ड हो गया, ये सारे क्या आते हैं, पॉलीफेगस के अंदर। फिर है राइट द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ पेस्ट आउटब्रेक, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पेस्ट की जो है संख्या में विस्फोट होता है या ज़्यादा होती है। तो ये मैंने बायोटिक और एबायोटिक जो आपको करेक्टर्स बताए थे ना, उसके अंदर पढ़ लेना भाई उसमें, कि कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट जो है वो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। टेम्परेचर सब सब है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह, लाइट वगैरह सब क्या है इसको प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट डे की क्वेश्चन आ गया, जो आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर वाला जो है ना पार्ट, उसके अंदर एक मिनट दिया हुआ है। तो देखिए ये भी मैंने आपको उसमें करवाया था, जो मैंने आपको करवाया था ना फिरोमोन्स वगैरह, या फिर रिसेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल का जो मैंने बताया था उसके अंतर्गत है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेमियोकेमिकल्स की। ठीक है, सेमियोकेमिकल्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या योगदान है, तो सेमियोकेमिकल्स में देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो आते हैं फिरोमोन्स, ठीक है, एक तो क्या आते हैं फिरोमोन्स, एक आते हैं एलिलोकेमिकल्स, सेकेंड आते हैं एलिलोकेमिकल्स। तो इसमें देखिए क्या है, फिरोमोन्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था बहुत से टाइप के फिरोमोन, जैसे मैंने आपको बताया था से
इसमें क्या होता है, एक प्रजाति जो होती है उसके द्वारा कुछ जो है केमिकल का सीक्रेशन किया जाता है जो कि दूसरी जो भी उसकी स्पीसीज होगा या अदर ऑर्गेनिज्म होगा उसको अट्रैक्ट करता है। हो सकता है वो अट्रैक्ट करे या जो भी है, लेकिन कोई ना कोई उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो ये हो गया सेक्स फिरोमोन में क्या होता है, फीमेल्स जो है उनके द्वारा एक फिरोमोन एक न्यूर को स्राव किया जाता है एनवायरमेंट के अंदर, जिससे उसकी तरफ क्या होता है मेल्स अट्रैक्ट होते हैं। मेल एक तो फिर हमें ऐसे ही मैंने आपको बताया था ट्रेल फिरोमोन, जिसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा चींटियों के अंदर वो क्या करते हैं इस प्रकार से एक लाइन में चलती है, एक चींटी चलेगी उसके पीछे पीछे ये क्या है इस प्रकार से लाइन बना के चलते हैं। वो किसकी वजह से होता है कि वो एक केमिकल को पीछे क्या है एक अजीब सी प्रकार की क्या एक ऑर्डर होती है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चलते हैं और सारे एक साथ आगे से आगे इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं ट्रेल फिरोमोन। ये मैंने करवा रखा है डिटेल में। एक होता है एग्रीगेट फिरोमोन्स होते हैं। एग्रीगेट फिरोमोन्स का मतलब क्या हो गया कि वो फिरोमोन्स जो क्या है जिसकी वजह से वो इकट्ठे होते हैं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये किस टाइम काम आता है, जब मान लीजिए किसी एक जगह पे इनको इकट्ठा करना हो या फूड का सोर्स इनको दिखाई दिया हो उसको अचानक से इनको लेके जाना हो कहीं पर ना इंसेक्ट को, तो उस समय क्या होता है एग्रीगेट फिरोमोन आता है जिसकी वजह से सारे एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही क्या हो गए एग्रीगेट हो गया, इस प्रकार से क्या होता है एक अलार्म फिरोमोन होता है। अलार्म फिरोमोन में क्या होता है कि ये चेतावनी देता है। मान लीजिए अब स्पीसीज कोई भी स्पीसीज है उसके ऊपर किसी दूसरे परजीवी या फिर प्रेडेटर पर बक्से का अटैक हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसके से हो सकता है किसी केमिकल का सिक्रेशन करे या फिर हो सकता है कुछ इस प्रकार का कंपाउंड जिसकी वजह से बाकी उसके जितने भी सदस्य हैं उनको ये आभास हो जाता है कि उनके ऊपर किसी न किसी का अटैक होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं अलार्म फिरोमोन। ऐसे और भी हैं पढ़ लिया गया। फिर सेकेंड देखिए, सेकेंड है एलिलोकेमिकल्स। ठीक है, एलिलोकेमिकल्स देखिए क्या क्या होते हैं। इसमें दो तीन प्रकार होते हैं, एक तो होता है एलोमर्स, एक होते हैं फिरोमोन्स, ठीक है, एक होते हैं सिनोमोन्स। एलोमोन्स केरोमोन्स और जो है सिनोमोन्स। इसमें देखिए होता क्या है एलोमोन्स में क्या होता है, इसमें जो बेनिफिट मिलता है ना वो मिलता है एमीटर को। एमीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो साव करता है। मान लीजिए कोई, अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मान लीजिए कोई भी पैरासाइट या प्रेडेटर है वो एक इस प्रकार के केमिकल का स्राव करता है जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होंगे उसके पास आते हैं, उसको किल कर देगा, खा जाएगा। तो इसमें फायदा किसका हो रहा है, एमिटर का हो रहा है ना, जो उसको स्राव कर रहा है, ठीक है, उसका हो रहा है। फिरोमोन से क्या होता है, जो फायदा होता है ना, जो बेनिफिट होता है वो किसका होता है, वो होता है रिसीवर का, यानी कि जो प्राप्त करता है, जिसको मिलता है। यानी कि अगर रिसीवर का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट जो है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की एक सुगंध होती है जिसकी वजह से उसके परजीवी या परभक्षी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये उसमें तो उसका नुकसान है, ठीक है। इसमें जिसको रिसीव हो रहा है, जो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको फायदा ना कि उसको किल कर देगा। सिनोमोन्स में क्या होता है, इसमें दोनों को फायदा होता है, बोथ केयर बेनिफिट, तो इसमें दोनों को फायदा होता है। इसको बाकी वही डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, बाकी इसके आने के चांसेस नहीं है, इस बार कम है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, हो सकता है थोड़े 4 या 2 नंबर वाले में आ जाए। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इसके आपको कंसेप्ट बताना है, इसका स्कोप बताना है, स्कोप कंसेप्ट आल्सो एग्रो इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है, देख लेना भी अच्छे से। नेक्स्ट है डिफाइन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज IPM क्या है, इसको बताना है। डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ IPM विद सुटेबल एग्जाम्पल, बहुत ईजी क्वेश्चन था कि IPM क्या है और इसके कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल कंट्रोल हो गया, फिजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल, तो ये सबका आपको बताना था कुछ एग्जाम्पल के साथ। लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आगे, हो सकता है इस प्रकार से आगे कि आपको पूछे IPM क्या है, उसको डिफाइन करना है, सभी के नाम लिखना है और आपको कोई एक दे दे, जैसे बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकल को डिटेल में लिखो या फिर कल्चरल को डिटेल में लिखो,
हिस्सा भी पूछा जा सकता है। तो भी ये पेपर जो है आपका कंप्लीट हो गया था, इसको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी पढ़ते रहना भी अच्छे से और एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।